वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बनाने वाले हैं एक वर्ग में लोटस का फ्लावर, ठीक है, मतलब लोटस की आलेखन बनाएंगे। ये है आपका वर्ग। वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का क्या ले रखा है, स्क्वायर ले रखा है। ये साइड भी 15 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी एंड ये भी, मतलब आपको एक 15 सेंटीमीटर का क्या बना लेना है, एक स्क्वायर बना लेना है। ओके, और हाँ, चलते चलते आपको ये बता दें, ये जो आप आलेखन है ये क्लास 10th के लिए है, और आप चाहें तो इसको अपने क्लास 9th में भी प्रीफर कर सकते हैं। बट हाँ, कलर की कॉम्बिनेशन अलग होगी, बट आप ये डिज़ाइनिंग प्रीफर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन बना कर दिखाऊँगी आलेखन का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कलर करके दिखाऊँगी, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा और क्लास 9th वाले इंसिस्ट करेंगे, मतलब क्लास 9th वाले अगर मुझे बोलेंगे कि इसका भी कलर आप क्लास 9th के लिए करके दिखाएं, तब मैं करके दिखाऊंगी। अदरवाइज ये डेडिकेटेड है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप बनाएंगे एक लोटस बनाएंगे, और साथ में एक तितली बनाएंगे जो बीच में बनेगी, ठीक है। और साइड में हम थोड़ी कलियाँ, पत्ते और थोड़ी डिज़ाइनिंग्स बनाएंगे। तो ये आलेखन काफ़ी इजी होने वाला है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मिस मत करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले आप एक कमल की स्पेस क्या कर लो, ऑक्यूपाई कर लो, मतलब आप एक कमल पहले बना लो, ताकि और भी एलिमेंट्स उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक कमल ड्रॉ करेंगे। हमारा लोटस, ठीक है, हम इसे टर्न कर लेंगे, जो हमारा प्रीवियस स्टेट था ये रहा, ठीक है। ओके, ये मैंने कमल के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइंस दिख रहे होंगे, वो एक्स्ट्रा लाइंस नहीं है, इसे मैं रब कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से आप एक डंडल निकालते हुए ऐसे हम करके लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, यहाँ से, और जहाँ जहाँ हमें स्पेस ऑक्यूपाई करना होगा वो हमारा डंडल स्पेस को कवर करते हुए जाएगा। ओके, ध्यान से देखना आप मैं कैसे बना रही हूँ। अब देखो, जैसी ये लाइन ड्रॉ की ना, सेम बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये जो कर्व वाली लाइन है, सेम पैरेलल लाइन आएगी, जिसके लिए मुझे पेज को टर्न करना पड़ेगा। तो आप भी अपना जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे दो तीन लाइंस और आएंगी जिसको मैं अभी दिखाऊंगी, तो अभी मैं थोड़ा सा चौड़ा लाइन यहाँ से ले आ रही हूँ। इसको भी हम मैनेज करेंगे, तो मेक श्योर अभी आप ध्यान से देखो पहले। जो हमारी मेन डंडल है वो यहाँ से है। हमारी जो तितली यहाँ पे बनेगी वो क्या होगी,
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कवर करेगी, ठीक है, जिसके लिए आपको इधर रब करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा पहले आप एक बार वीडियो देख लेना फिर ड्रॉ करना। ये रही हमारी तितली का फेस, ये गया उसका टेंट्रिकल्स। पूरा कवर हुआ है जिसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक रब करना पड़ेगा, दैट इज इरेज करना पड़ेगा आपको। तो फिर मैं इसे इरेज कर दी। इस एरिया को हमें थोड़ा और कंप्रेस करना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर, इसीलिए मैं कह रही थी आपको कि एक बार पहले मेरी पूरी वीडियो देख लेना फिर उसके बाद ही आप कुछ ड्रॉ करना अपने साथ। ओके, ये हो गया हल्का सा डिजाइन। देखो आप अपने आलेखन में ना जितना अच्छे से हो सके वो डिज़ाइनिंग्स अच्छे से फिल किया करो, क्योंकि डिज़ाइनिंग बनाना बहुत आसान है और ये आपके आलेखन में चार चांद लगा देता है। तो मेक श्योर आप जो डिज़ाइनिंग बनाते हो वो काफ़ी अच्छे से बनाओ और अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करो इसे। यहाँ पर हल्का सा रब करेंगे। ये हम डंडियाँ निकाले हैं पत्ती बनाने के लिए। Thank you.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोटस आलेखन। ये सारा हमने स्क्वायर में एक 15x15 सेंटीमीटर के स्क्वायर में हमने एक लोटस का आलेखन ड्रॉ किया है विद बटरफ्लाई। अब आप इसका फीडबैक मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में देना कि आपको ये कैसा लगा, क्या ये आपके लिए यूज़फुल था या नहीं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम कलर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।